बेटे किससे बात हो रही है फोन पे? मसला ये भाई, जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं वो मैडम आज आई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में, और आज के व्लॉग में ना हमेशा की तरह आपको पता ही है काम होते हैं। तो आज जो है ना अन्ना को टीका भी लगना है और आपको अपने दिल पर जानी चली मिलवा। सलाम वालेकुम, ये तो पारा बोता है, ये तो बोती पारा बेबी है, ये तो छोटा छा तो है। आइए, तो मगरिब की खजाने हो रही है, तो मगरिब की नमाज का टाइम है, बाहर आपको दिखाता हूँ जरा। ओए धुआं हुआ हुआ है, तो यहाँ स्प्रे होता है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना स्प्रे होता है डेंगू का स्प्रे, तो वो हुआ हुआ है। धुआं आ रहा है, बाबू नीचे आ जाए, स्प्रे का धुआं सारा अंदर आ गया मेरा बच्चा। तो अब जो है ना तो नमाज पढ़ते हैं जल्दी, नमाज अजाने हो गई है, आज चले वो नमाज पढ़े जल्दी, मेरा बच्चा बिछा जल्दी, ये देखना अभी बिछाएगी, जल्दी बिछाए मेरा बच्चा, जल्दी जान मास पकड़े, ये है स्पीकर, आप स्पीकर ये है, और ये मुझे दे दे, चलो चल मेरा बच्चा पकड़ जल्दी, हाँ ये एक ये पापा की जान मास भी पकड़े जल्दी, पापा की जान मास पकड़े जल्दी, चलो और पापा की भी पकड़नी है, पापा की जान मास को पता है, चलो हाँ चलो अब नमाज पढ़ते हैं मेरा बच्चा, चलो। नमाज जो है ना हमने पढ़ ली है, तो अब जो है ना क्या करना बालू, कपड़े चेंज कर ले, अब आप चिपची लगी है मुंह पर, सारी चिपची लगी हुई है, आप कपड़े चेंज कर लिए आप, फिर हमने जाना है टीका लगवाने आमना को, ठीक है? हाँ। चलो ठीक है, नमाज जो है ना हमने पढ़ ली है, तो आमना ने ना मेरे लिए फ्रूट चाट बनाई होती है, ये देखें ये फ्रूट चाट होती है, और इसके अंदर ना मैं शक्करकंदी डाल के खाता हूँ, तो आप लोगों ने ना कमेंट करके बताना है कि फ्रूट चाट में शक्करकंदी डाल के कौन खाता है, अगर आप नहीं खाते ना तो लाजमी डाल के खाएं, आपको मजा ना आए तो पैसे मैं दूंगा, क्यों आमना? तो मिली है मिसेज उमैर से, हाँ आमना क्या हाल है, क्या हाल चाल है, ठीक हो? और ये बालू भी कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, कह दे छा गंदा, ये देखो इसने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो क्या किया हुआ है इसने, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कहता भी नहीं ना हूँ, पारा बोता है, मैं क्या करूं? ये देखो इसके अंदर ना ये डाल के मैं खाता हूँ, अपना मजा आता है ना वैसे ये डाल के, मैंने कभी डाली नहीं है, मैं लेकिन मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं तो शक्करकंदी डालू ना, ओ हो मजा आ जाता है शक्करकंदी के साथ फ्रूट चाट, मैं सिंपल खाती हूँ। और ये जो है ना ये एवोकाडो है, टेंशन नहीं लेनी आप लोग समझेंगे, फ्रीज किए हुए एवोकाडो हमने, तो बस आप ये इंजॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं, इसके बाद हमने जाना है इंजेक्शन लगवाने, और इसके बाद हमने जाना है थोड़ी शॉपिंग करने, शॉपिंग भी करनी है, थोड़ी सी क्रोकरी शॉपिंग करनी है, क्रोकरी मतलब अपनी पानी की बोतल लेनी है, और साथ में ना सूप के प्याले लेने हैं, क्योंकि मेरा आजकल दिल करता है नमक वाली चाय, और साथ में उसके अंदर हो रहा। चलो ठीक है, डन हो गया जी बाबू, आप भी हेलो, आप ये कहता है मुझे भी दिखाओ ना गंदा बेबी, ये बहुत पारा बेबी है, मैं क्या करूँ इसका, तो चलो एंजॉय करते हैं। मेरे पास ना वो बड़े पुराने जमाने में हमारी दादियां नानियां होती थी ना, वो इतने इतने बड़े प्याले होते थे, उसमें वो चाय डालते थे, वो तंदूर की बाकर खानी डालते थे, वो हमें खिलाते थे, मजा आ जाता था जब भी हम अपने नाना के घर जाते थे, तो बस मैं खुद खाता होता था, वो दिन बहुत याद आते, लेकिन वो प्याले अब मिलते ही नहीं है, मैंने देखे ही नहीं है ना, जाते हैं हम वहां से देखते हैं, इम्तियाज जाते हैं तो इम्तियाज से देखते हैं, मिलते हैं मिलते, दो लेने हैं, एक उमर का एक मेरा, ठीक हो गया। अब जो है ना आपका भाई हो गया है रेडी, फ्रेश हो गए हैं, और ये इसने रोला डाला हुआ है, पापा गोदो, तो आमना भी तैयार है, आमना क्या लेना क्या है, तैयार नहीं, लोगों ने कहना आमना के पास एक ही चादर है, ऐसा है कि भाई बहुत ठंड है तो मैं ये शॉल लेके जाती हूँ। हाँ, और लोग मुझे कहते हैं कि आप इसको समझाया करें कि चीजें जमीन पे ना फेंका करें, तो ये है कि ये ना छोटा बेबी है एक, तो और ये ना जमीन पे फेंक के ना फिर खाती है, लेकिन ये है कि ये जो फेंक जाती है, लेकिन ये जमीन पे फेंक के, क्योंकि हम जमीन पे बैठ के गर्मियों में खाते थे ना, तो ये अब इसको आदत पड़ गई है, वो ना जमीन, वो समझती है कि ना जमीन पे फेंक के ना लोग फिर खाते हैं, लेकिन चेंज हो जाएगी, मैं इसको समझाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन कैमरा तो नहीं समझाता, ऑफ कैमरा हम इसको समझाते रहते हैं, ये बहुत पारा बेबी है, बात समझती है, ये नहीं कि ये इग्नोर नहीं करती, गोदो उसको, गोदो का मेरे बच्चे को गोदो, चलो जी वो गोदो का वो कह रही थी, गोदो पकड़ लिया अपने, देखो पापा के चेक सही कर रही है, पापा के पता मेरे पापा ने पोपो लेके देना है, हाँ पापा ने पोपो लेके देना, और क्या देना मेरे बच्चे ने, और
चलो बालू है वो पका ये छोटा सा मिला बालू लेने शूज लेने और बाबा के सर्दियों के शूज नहीं लिए बेबी का। चलो देखते हैं ना मुझे टीका हाँ। भी लगवाना है तो चलो इंजेक्शन लगवाना है मेन चीज वो है पहले शॉपिंग कर लेते हैं पहले शॉपिंग करते हैं क्योंकि अभी इंजेक्शन में आधा घंटा है। चलो ठीक होगा डन होगा चलो चलो तो हम लोग जो है ना यहाँ पे आ चुके हैं बाला भी तैयार बाला मेरा तैयार मिल गए मग मिल गए या फिर बस ये दो पक पिक कर लो दो ये हो गए और क्या लेना और ये देखो और क्या लेना है बोतल लेनी है बोतलें भी मिल गई ना पकड़ लो बोतल ले लो कुछ दोन सी भी ऐसा ही वाली दो तीन महीने के लिए हाँ ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है लेकिन ठीक है पकड़ लो जो भी है पकड़ लो फिर आमना ने अपने लिए सॉक्स भी लेनी थी तो वो भी मिल गई आमना को ये देखो आमना ये तो मुझे लंडा लग रहा है ऐसे जैसे लंडे में ही पड़ी हुई चीजें हाँ और ये इम्तियाज है सारा मेरे बाबे को कुछ पसंद आ गया बाबे को पसंद आ जाए तो फिर वक्त पड़ जाता है आपके पास है बेबे वो कार आपके पास है ऑलरेडी वो नहाने वाला तीन चार चीजें जो यहाँ पे हैं वो ऑलरेडी हैं मेरे बच्चे के पास हाँ तो चलो अब क्या करना है अब और क्या लेना है पोपो लेनी है चीजें फिर निकलते हैं बस चलो आमना आमना को अब यहाँ पे ना अपनी शॉपिंग की पड़ गई है मैं तो क्या ले लो जो लेना ले लो जो भी पकड़ना है पकड़ लो वैसे ये गर्मियों के लग रहे हैं मुझे पकड़ लो जो लेना ले लो जल्दी जल्दी जो लेना ले लो मेरे बाले ने क्या लेना है और कुर्ता लेना है कुर्ता लेना है उसने ले लो जो बेबी की तरफ चली गई है वो और यहाँ पे देखो ये बच्चों के भी लगे हुए हैं गर्ल्स के आमना ले लो जो भी लेना है यार जल्दी जल्दी करो फिर उन्होंने ले लिया अपनी पसंदीदा चीजें बोतल भी मिल गई है इसको ये भी लेकिन सॉक्स का टैग नहीं था देर हो रही थी तो मैं कहा निकलो छोड़ो उसको सॉक्स फिरा दिए कि अभी बहुत टाइम है कपड़े भी नहीं लिए तुमने यार लेट हो रहे हैं टाइम है इंजेक्शन भी लेट हो रहा है हाँ चलो चले फिर अब जो है ना एक मसला हो गया हमने मसला क्या हुआ है मसला ये हुआ है जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं वो मैडम आज आई नहीं है ओ मैडम ही नहीं आई यार आज तो आज ना अब ये कि कहीं और जाना पड़ना है यार उनसे जाके लगाना पड़ना वो आगे लेट हो रहा है यार चलो चलें जल्दी जल्दी तो हुआ कुछ ऐसे है कि फीमेल नर्स जो है ना वो अवेलेबल ही नहीं है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा वहां से जाके लगेगा टीका यार अब टीका भी जो है ना टेंशन हो गई है तो फाइल नहीं थी फाइल लेने आया हूँ फाइल पकड़ते हैं और निकलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्शन जो है ना लग चुका है अब चलते हैं बस तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्शन जो है ना लग गया क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी क्योंकि टाइम ऊपर हो गया था इस वजह से हाँ। पूरे टाइम पे वो ये है कि घंटा ऊपर भी हो जाए कोई इतना मसला नहीं है तो बहुत ज्यादा ना टेंशन लग गई थी यार वो नर्स नहीं थी ना तो टेंशन हो गई थी मुझे तो बहुत ज्यादा मैं कहा लो जी आज जो है ना टीका लेट हो जाए ना टीका लेट नहीं करते ये वाला क्योंकि ये होता है दो दिन में टीका लगता है दो दिन की डोज होती है ये हाँ या फिर 12 घंटे का होता है 12 घंटे तो इस बार आयत के टाइम मुझे 12 घंटे का टाइम मिला था कि 12 घंटे में आपने दो इंजेक्शन लगवाने और इस टाइम इस बेबी के टाइम 24 घंटे का मिला तो बस आप जो है ना फिर भी आधा घंटा हम लेट हुए हैं आधा घंटा लेट हो गया लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए लेट हो गए हैं हाँ तो बस अब खाने के लिए क्या है खाने में है मसर ओए 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 और चोल मसर चावल बस अब खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना बाबे ने जो है ना सारा बाबा पार्टी करता रहा यहाँ पे मेरा ये देखो बाबा फ्लैट पे आए पार्टी की है मेरे बाबे ने फुल टाइम गान डाला हुआ है सारा ये देखो तो ये लॉलीपॉप के मैं इतना अगेंस्ट हूं ना लेकिन ये जब भी देखती है ना कहीं पे लॉलीपॉप तो इसको पोपो याद आ जाता है हालांकि मैं इसको नहीं लेके देता यार पोपो तो ये ना रोने लग जाती है पोपो देख के ना तो फिर मुझे दिलाना पड़ता है इसको तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ पोपो के पोपो। चलो आप जो है ना खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं आपको एक सीन दिखाता हूँ आयत किससे फोन पे बात कर रही है ये बेटे किससे बात हो रही है फोन पे किसे फोन पे एक्टिंग कर रहा है ये बहुत बड़ा एक्टर है मैं आपको पहले बताया हुआ है ये बहुत बड़ा एक्टर है किससे बात हो रही है हेलो पापा से कि मम्मा से मम्मा से बात हो रही है जी ये देखो जी ये देखो हेलो मम्मा जो है ना इसका दूध किया मम्मा ने तो चीजें जो है ना सारी ऊपर करनी पड़ती है नीचे ये छेड़ता है सारी चीजें खाना जो है ना खाली है तो अब जो है ना मैं बनाता हूँ चाय आमना और मैं पीते हैं चाय रात को आमना कैसी होती है चाय फिर बस मत पूछे हाँ मत पूछे बहुत अच्छी होती है
चाय आमना तो कहती है कि कमाल चाय, चाय तो आमना शौकीन है मेरे हाथ की। हाथ की चाय अच्छी लगती है मुझे अपने हाथ की, एक मैं एक अम्मी के हाथ की बस। यार ये देखो ये चीजें छेने लग गए, जिनके हाथ की चाय पीती हूँ एक अम्मी के हाथ की। ये इसका काम होता है सुबह नाश्ते के बाद तप तप, इसको तप तप कहती है ये, तप तप के ऊपर मुझे बता तपता 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 नीचे चलो आप नीचे का दो जी चलो नीचे का नीचे नहीं करना नहीं ये बहुत पारा बेबी है ये, इसको ना नींद आ रही है और ये जान कैसे, इसको नींदो जब आ रही होती है ना तब ये जिदें करता है। तो मैं बनाने लगी है अपने लिए चाय, क्योंकि आज मैं चाय नहीं पीऊंगी क्योंकि कल रात मैं सुबह क्या कहते हैं 5 बजे सोई हूँ, इसलिए आज फिल्टर का पानी यूज करता हूँ मैं। ये बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो टैप का पानी ले लेते हैं, काम तो खाता पीता ही काम आ रहे हम तो भाई पूरा पूरा अपनी लाइफ का जाना ख्याल रखते हैं। बस ये हो गया, ये देखो ये दूध यहीं पे पी रही है तो ये चाय जो है ना अपनी बहुत जबरदस्त बनती होती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं ना उबाले बहुत देता था चाय को, इसीलिए चाय मजे की होती है। ये जो है ना ये लेट के पीले बच्चे अंदर जाके चले अंदर, चलो चाय का पानी जो है ना मैंने रख दिया है, इसको उबाले आएंगे ना फिर इसमें दूध डालेंगे तो दूध अभी निकाल लेते हैं। दूध 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 किधर है, ये आयत का दूध है, ये इसे मैं पी लेता हूँ चाय, ठीक है। क्योंकि फ्रेश मिल्क से ना चाय का मजा नहीं आता, जो डब्बे के दूध से मजा आता है ना चाय का, ऐसे ही है ना हमने जो डब्बे के दूध से आता है ना हाँ उससे जो सही चस आती है बंदे को, लेकिन वो जो दूसरा होता है ना खुला दूध, हाँ खुले दूध की चाय नहीं इतनी मजे की होती मुझे नहीं लगती। हाँ बच्चे के लिए खुला दूध अच्छा होता है, वो फ्रेश मंगवाता हूँ मैं, तो बस चाय बनती है ना फिर पीती है। चाय के साथ आपको पता ही है कि भाई थोड़ा जरा ना बिस्कुट के बगैर, ये बिस्कुट यार ये जो है ना ये बिस्किट नहीं सही, ये लोकल है पाकिस्तानी, मुझे था कि ये ऑस्ट्रेलिया में मैं खाता था बेलवीटा बड़े हेल्थी होते थे, लेकिन ये जो है ना ये मुझे नहीं सही लगे, ये 2 नंबर बिस्किट है यार, तंग हो जाता हूँ इससे। हाँ मैं चाय में दूध चला गया, तो कौन कौन ऐसे करता है कि डब्बे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको हंगाल के तो फिर वापस डालता है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ये देखो चाय का कलर देखो अपना कलर चेक करो। हाँ भाई क्या कहें, आप जैसे चाय कोई बना नहीं सकता, ओए, नहीं। ओए, क्योंकि ओए। मुझे ना मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, मैं रात को चाय पीना पसंद नहीं करती, लेकिन जब वो मैर के हाथ की बनी हो तो फिर ओए, तो ओए, ओए, इतनी बड़ी बात कर दी आमना ने तो यकीन मानो। और ये देखो चाय इस तरह उबाले आते हैं तो फिर जाके कहीं मैं पीता हूँ। चाय बन गई है, चाय डाले ये होती है चाय। चाय चाय पीते हैं साथ बिस्किट खाते हैं, तो फिर एक दो काम है मुझे कंप्यूटर पे वो करते हैं और फिर गुड नाइट कहते हैं, फिर गुड नाइट कहते हैं ना, खुद तंग आई हुई है वो कह रही है बस करो, देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। शुगर मिला भी दावत भी करनी है एक किसी की ना ग्रैंड दावत करनी है हमने प्लाजे पे, चले किसी के साथ एंजॉय करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, तो हमें याद रखना है इंस्टा को फॉलो कर लो यार, अपने भाई के इंस्टा को फॉलो कर लो, आमना के 100K कर दो। अल्लाह हाफिज़।